वजीरे दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ऑपरेशन अजम इस्तकाम के सियासी अजाइम नहीं, चंद दिनों में तरीका कार वाजे हो जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, तीन जमातें वोट बैंक महफूज रखने के लिए ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं। वोट बैंक के लिए नहीं, मुल्क के लिए स्टैंड लें। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई, जेयूआई और एएनपी को पैगाम देते हुए कहा, अपोजिशन जमातों की तशवीश जरूर दूर करेंगे, ऑपरेशन पर पार्लियामेंट में इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। उन्होंने कहा, ऑपरेशन के सियासी अजाइम नहीं, मकसद दहशतगर्दी की लहर खत्म करना है। ऑपरेशन का फोकस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होगा। वजीर दिफा का कहना है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं किया। सूबों को माली मदद करना होगी। अदलिया ने कौमी सलामती की कोशिश में सपोर्ट ना किया तो ऑपरेशन मौसर नहीं रहेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई हुकूमत में बसाए गए शिदत पसंदों के घर दहशतगर्दों की पनाह गाहें हैं। दहशतगर्दों की वापसी तबाही लेकर आई। जनरल बाजवा और जनरल फैज ने कहा था, वजीर आजम के कहने पर कदम उठा रहे हैं।